बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावी चपड़ी कबाब, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी बीफ 1 किलो, और स्पाइसेस जो हम इसमें ऐड करेंगे वो हैं ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया लिया है 2 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च लिया है 1 टेबलस्पून, अनारदाना लिया है 1 टेबलस्पून, या मैंने लिया अजवाइन 1 टीस्पून, या मैंने लिए हैं 2 प्याज और 2 हरी मिर्ची जिनको मैंने चॉप कर लिया था, मकई का आटा लिया है 1 कप, या मैंने लिए हैं 2 टमाटर जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। सबसे पहले हम घी में ऐड करेंगे मकई का आटा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चॉप प्याज और हरी मिर्च, साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एंड पे मैं ऐड करूँगी बारीक कटे हुए टमाटर, चपली कबाब की शेप देने से पहले मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लूँगी ताकि कबाब मेरे हाथों पे चिपके ना। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 2 कप। अब मैं चपली कबाब फ्राई करूँगी लो फ्लेम पर ताकि कीमा अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। कबाब बनाने के लिए आपने कीमे का पानी और प्याज का पानी अच्छे तरीके से निकाल लेना है। जब प्याज और कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाए तब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इससे ये होगा कि कबाब बनाते हुए कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।